नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ जैन, स्वागत है आपका बिना मार्बल इंडस्ट्रीज के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि मकराना मार्बल हमें क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें दूसरा पत्थर क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मकराना मार्बल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। मकराना मार्बल की क्वालिटी दुनिया की नंबर वन क्वालिटी है। इससे दुनिया का 7वां अजूबा बना हुआ है ताजमहल, इससे विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, इससे काफ़ी जगह ऐसी बनी हुई है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे मार्बल कौन सा लगवाना चाहिए और मुझे कौन से मार्बल को अवॉइड करना चाहिए, किस मार्बल को लगाने से मुझे फ़ायदा मिलेगा, किस में कैल्शियम है, किस में कैल्शियम नहीं है। एक्चुअली मार्बल में कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है, उसी से उसकी वाइटनेस, शाइनिंग, पॉलिश बरकरार रहती है, लॉन्ग लाइफ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मकराना मार्बल की क्वालिटी के बारे में। तो मकराना मार्बल ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर 98% कैल्शियम होता है और 2% इंप्योरिटीज़ होती है, केवल 2%, जिसको आयरन बोल सकते हैं या कुछ भी डोलोमाइट वगैरह होता है, केवल 2% इंप्योरिटीज़ होती है, 98% कैल्शियम होता है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है मकराना मार्बल की जवानी और बढ़ती जाती है, मतलब शाइनिंग बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे दांत, जैसे हमारे दांत कैल्शियम के बने हुए हैं, हम दांतों को जितना रगड़ेंगे, जितना साफ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी शाइनिंग बढ़ती है, क्योंकि कैल्शियम के बने हुए, उसी तरह से मकराना मार्बल होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ मिल जाएगा, क्या ये मिलता है, क्या इसकी माइनिंग बंद हो चुकी है, क्या ये माल अभी भी अवेलेबल है, या सिर्फ राजस्थान में मिलता है या अदर स्टेट्स में भी मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स भी मैं आपको कवर कर लेता हूँ कि ये मार्बल सिर्फ आपको राजस्थान में ही मिलेगा, आउट ऑफ स्टेट नहीं मिलेगा, मतलब राजस्थान से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माल महंगा आता है और जो बेचने वाले लोग होते हैं वो कभी भी इतना महंगा माल लेकर ले जाकर बेच नहीं पाएंगे। वो लेकर जाते हैं क्रैक वाला मटेरियल, सस्ता मटेरियल, डुप्लीकेट मटेरियल, तभी जाकर वो बेच पाएंगे ना। क्योंकि मान लीजिए बंगाल अगर माल जा रहा है तो 20 रुपये स्क्वायर फीट का बंगाल का खर्चा आ जाता है, 20 रुपये का अगर माल लेकर जाते हैं फूटा हुआ, 20 में कोई माल नहीं आता, 20 रुपये उनको खर्चा आ रहा है, 40 रुपये 20 रुपये उनका प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, 60 रुपये में वो बेचते हैं। फिर आप लोग हमें कॉल करके ये बोलते हैं कि सर मार्बल तो हमारे यहाँ पर मिल रहा है 50 रुपये में, 60 रुपये में, आप हमें 100-150 में क्या दे रहे हो। सर हम आपको फ्रेश मटेरियल दे रहे हैं, हम आपको क्रैक मटेरियल नहीं दे रहे, आपके वहाँ जो बेचने वाले लेकर जा रहे वो बेचने वाला माल है और हम आपको जो देंगे वो घर में लगाने लायक माल है। माल माल का फ़र्क होता है। अब इसकी अवेलेबिलिटी के लिए बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर मकराना मार्बल तो ख़त्म हो गया, इसकी माइनिंग तो है ही नहीं, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं ऐसा, हमारे यहाँ दुकानदार ऐसा बोलते हैं कि मकराना मार्बल तो ख़त्म हो गया, लोग डुप्लीकेट बेचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मकराना मार्बल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आपकी 7 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, मेरी 7 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, तब तक भी मकराना मार्बल ख़त्म नहीं होगा। आज भी मकराना के अंदर 5000 माइंस चलती है जिसमें से ये मकराना का पत्थर निकलता है। हाँ, मान सकते हैं कि 1000 साल से ये पत्थर निकल रहा है तो माइंस 400 फीट डीप जा चुकी है, 400 फीट डीप जा चुकी है, इसकी वजह से कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है, लेकिन मार्बल ख़त्म नहीं हुआ है, मकराना मार्बल हमेशा निकलता रहेगा, आज भी निकलता है, जो क्वालिटी पहले निकलती थी वो क्वालिटी आज भी निकलती है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग, मकराना मार्बल की प्राइसिंग फ्रेश मटेरियल की 65-70 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है और अनलिमिटेड प्राइस तक जाता है, कोई प्राइस बाउंडेशन नहीं है। और इसी तरह से दूसरे पत्थर की बात करते हैं तो उनकी प्राइसिंग भी 45-60-70-80 रुपीज़ तक, मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स मान लीजिए, 100 से ऊपर वो नहीं आता। जब आप 100 रुपीज़ का दूसरा मार्बल ले रहे हो तो आप मकराना क्यों नहीं लगाते, जबकि दूसरे मार्बल में कोई कैल्शियम नहीं, ना गूगल पे आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी उसकी, आप अगर लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे तो आपको कैल्शियम कंटेंट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे उसमें। तो फिर समझदार होकर बेवकूफ़ क्यों बनना, जब आपका इतना बजट है, आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो तो आप मकराना मार्बल लगाइए, आप दूसरा मार्बल क्यों लगाते हो। इसी तरह से मार्बल और स्टोन का भी कंपेरिजन करके हम देखें, मार्बल और स्टोन का, मार्बल किसे बोलते हैं, मार्बल उसे बोलते हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है संगमरमर, ताजमहल जिससे बना हुआ है, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ये तो आप सब लोग जानते ही है। स्टोन वो होता है जो मकराना मार्बल से हटके जो दूसरी क्वालिटीज़ होती है, जैसे आप इटालियन मान लीजिए, वियतनाम मान लीजिए, राजनगर वाला पत्थर मान लीजिए, मोरवड, झांझर, निजरना, ये सब क्वालिटीज़, कटनी, वंडर, बांसवाड़ा, ये सब कुछ, ये सब है स्टोन। गवर्नमेंट अप्रूव्ड मार्बल सिर्फ मकराना मार्बल है, उसके अलावा कोई मार्बल नहीं है, जिसको संगमरमर बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आपको क्लियर सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मकराना मार्बल की क्वालिटी में, ये मैंने विकिपीडिया से ये निकाला है, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ विकिपीडिया क्या बोलता है मकराना मार्बल के बारे में। विकिपीडिया बोलता है मकराना मार्बल हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड इज देयरफॉर रेजिस्टेंट टू वाटर सीपेज।
मकराना मार्बल में हाई परसेंटेज कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से उसमें पानी का प्रसाव नहीं होता, मतलब पानी टपकता नहीं है उसमें से। आप छत पर भी लगा लेंगे तो पानी चुएगा नहीं, मतलब अपनी दीवारें पानी चुएगी नहीं। दी वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मकराना मार्बल इज सेड टू बी द लोएस्ट अमंग ऑल टाइप्स इन इंडिया। मकराना मार्बल जो लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, जैसे चाय हो गई या कोई केमिकल हो गया या पानी हो गया, ये सबसे कम है, सबसे मिनिमम है। जितनी भी क्वालिटीज इंडिया के अंदर है मार्बल की, उनमें सबसे कम है, सबसे मिनिमम है। एंड द मार्बल इज क्लेम्ड टू कंटेन 98% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ओनली 2% ऑफ इम्प्योरिटीज। ये बात मैंने आपको पहले बोली थी मकराना मार्बल की, जब आपको मैं क्वालिटी बता रहा था तब सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था कि मकराना मार्बल में 98% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और केवल 2% इम्प्योरिटीज होती है, ओनली 2%। मतलब आप इसका टुकड़ा तोड़कर खा भी जाओगे ना तो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मकराना मार्बल हेल्प्स इट टू स्टे द सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड बिकॉज इट कंटेन्स 98% ऑफ कैल्शियम द पॉलिश ऑफ दिस मार्बल इज कंसिडर्ड इन द बेस्ट। ये कह रहा है कि इसी वजह से इसकी जो लॉन्ग पीरियड तक 98% कैल्शियम होने की वजह से ये लॉन्ग पीरियड तक इसकी वाइटनेस, इसकी पॉलिश हमेशा बरकरार रहती है। ये विकीपीडिया बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोर्स मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, www.wikipedia.org। ये आपको स्क्रीन पर भी इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये कि ये मार्बल, मकराना मार्बल इतना जाना पहचाना मार्बल है, विकीपीडिया पर इसका पेज है, आपको किसी और दूसरे मार्बल का विकीपीडिया पर पेज नहीं मिलेगा। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, अब मैं आपको गूगल पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर, आप लोग जो इटालियन वियतनाम करते हैं कि इम्पोर्टेड मार्बल है, हम इम्पोर्टेड लगाएंगे, हम इतना अच्छा लगता है, मतलब इम्पोर्टेड की वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि स्वदेशी की वैल्यू कम होती है। चाहे स्वदेशी सोना ही हो फिर भी आपको पीतल लगाना पसंद है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इटालियन मार्बल सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, आपको कोई भी इसका ऑफिशियल पेज नहीं मिलेगा, कोई भी इसका ऑफिशियल पेज नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब इसी जगह आप वियतनाम मार्बल भी सर्च कर लीजिए, वियतनाम मार्बल, आपको इसका भी कोई ऑफिशियल पेज नहीं मिलेगा, देख लीजिए। अब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि लोगों का बजट बहुत कम रहता है, मोरवड मार्बल, इसका भी कोई ऑफिशियल पेज नहीं मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप सर्च कीजिए मकराना मार्बल्स, ये देखिए विकिपीडिया, मकराना मार्बल इज टाइप ऑफ मार्बल पॉपुलर फॉर यूज इन स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग डेकोर। इट इज माइंड इन द टाउन ऑफ मकराना इन राजस्थान इंडिया एंड वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स सच एज द ताजमहल इन आगरा। ये इसकी पहचान है, ये आपको किसी और मार्बल की नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको मकराना मार्बल खरीदना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मकराना मार्बल को टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से टैग मिला हुआ, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ छपी है कि मकराना मार्बल अर्न्स हेरिटेज स्टोन रिसोर्स टैग, मतलब ग्लोबल हेरिटेज माना गया है मकराना मार्बल को, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। मकराना मार्बल रिसीव्ड अ मोन्यूमेंटल ऑनर विद द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस लिस्टिंग इट एज ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स इन इट्स एग्जीक्यूटिव मीटिंग हेल्ड लास्ट सैटरडे 24 जुलाई 2019। कोई आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, मकराना मार्बल रिसीव्ड अ मॉन्यूमेंटल ऑनर विद द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस लिस्टिंग इट एज ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स इन इट्स एग्जीक्यूटिव मीटिंग हेल्ड लास्ट सैटरडे। ग्लोबल हेरिटेज माना गया इसको। अब ये मकराना मार्बल यूज़ कहाँ कहाँ हो रखा है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया गया है? मकराना मार्बल को यूज़ किया है ताजमहल में, आगरा के विक्टोरिया मेमोरियल में। अब विक्टोरिया मेमोरियल में कैसे यूज़ किया है इसकी भी एक कहानी है। मकराना मार्बल वॉज चूजन ओवर वेरियस अदर यूरोपियन टाइप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल। मतलब एक टेंडर छूटा होगा, टेंडर के अंदर अलग अलग टाइप्स के मार्बल के लिए अप्लाई किया होगा लोगों ने, कोई इटालियन के लिए, कोई वियतनाम के लिए, मतलब यूरोपियन मार्बल्स भी थे उसके अंदर, तो उसमें से मकराना मार्बल को चूज़ किया गया। क्यों चूज़ किया गया? आफ्टर सेवरल टेस्ट कंक्लूडेड मकराना मार्बल टू बी सुपीरियर। काफ़ी टेस्ट होने के बाद मकराना मार्बल को सबसे सुपीरियर पाया गया। सर थॉमस हेनरी हॉलैंड
थॉमस हेनरी हॉलैंड थे उस समय, अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट वॉज गिवन क्रेडिट फॉर रिकमेंडिंग द यूज़ ऑफ मकराना मार्बल. उन्होंने रिकमेंड किया था कि मकराना मार्बल को यूज़ किया जाए विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए. इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, दिस इज द पावर ऑफ मकराना मार्बल. शेख जायद मॉस्क अबू धाबी, ये आपको स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो दिख रही है, आप में से कई मुस्लिम भाई उसको जानते होंगे अच्छी तरह से, मॉस्क को, शेख जायद मॉस्क अबू धाबी में मकराना मार्बल से बनी हुई है. मोटी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लाहौर में मोटी मस्जिद भी मकराना मार्बल से ही बनी हुई है. दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा लुधियाना, लुधियाना का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है दुख निवारण साहिब, वो भी मकराना मार्बल से बना हुआ है. और इसमें एक जगह और मेंशन नहीं है, वो मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ. बिरला मंदिर जयपुर, राजस्थान का बिरला मंदिर जो बिरला जी ने बनवाया था, वो मकराना प्योर वाइट का बना हुआ है कंप्लीट. इटालियन वियतनाम मोरड का क्या बना हुआ है, आपने कभी सुना कि इसका कुछ बना हुआ है? तो हम क्यों वो लगाएं, जब हमारे पूर्वजों ने जब वो मार्बल यूज़ नहीं किया तो हम क्यों उसको यूज़ करें? स्वदेशी में इतनी ताकत है तो हम इम्पोर्टेड क्यों यूज़ करें? जब हमें ओरिजिनल क्वालिटी इस रेट में मिल रही है तो हम डुप्लीकेट को इससे महंगा क्यों ले? मोरवर भी 50-60 रुपये से फ्रेश क्वालिटी नहीं आती स्टार्ट होती. जब हमें मकराना क्वालिटी ही 60-70 रुपये में मिल रही है तो हम डुप्लीकेट क्यों ले? जबकि मोरवर एज अ डुप्लीकेट मेंशन किया जाता है काफ़ी जगह. आपको मैं मोरवर के बारे में बता देता हूँ. ये मैंने morward.com वेबसाइट से निकाला है, morwardmarble.com से, स्क्रीन पर देख लीजिए. वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मकराना मार्बल्स एंड मोरवर्ड मार्बल राजस्थान, दिस इज़ द क्वेश्चन. एंड इट वेरी गुड क्वेश्चन. मकराना मार्बल इज़ बेसिकली कैल्साइट प्रोडक्ट, morwardmarble.com की वेबसाइट पे लिखा हुआ है. मकराना मार्बल इज़ बेसिकली कैल्साइट प्रोडक्ट एंड दिस इज़ डोलोमाइट प्रोडक्ट. कौन सा? मोरवर्ड. डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट इज़ लाइक अ पॉइजन जो हमारी फ्लोरिंग को ख़राब कर देता है, आयरन जिसको बोल सकते हैं, पीला कर देता है, पॉलिश डल कर देता है, पॉलिश उड़ा देता है बिल्कुल ही. तो ये मोरवर्ड के लिए बोल रहा है, दिस इज डोलोमाइट प्रोडक्ट. इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोडक्ट्स. ये मेन डिफरेंस है कि मकराना मार्बल तो कैल्साइट प्रोडक्ट है जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, और मोरवर्ड जो है वो डोलोमाइट प्रोडक्ट है. और ये मैं डिंगे नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट है मेरे पास, लेबोरेटरी टेस्ट किया हुआ है उसकी रिपोर्ट. ये रिपोर्ट भी मैं स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी. इसमें मकराना मार्बल की रिपोर्ट है, ये इसके अंदर आप कैल्शियम देख सकते हो, आपको CaCO2 ये आपको मिल जाएगा 94.70% मकराना मार्बल में. हालांकि विकीपीडिया पे 98% बता रहा है, लेकिन मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको जिसमें 94.70% मकराना मार्बल में कैल्शियम दिखाया जा रहा है. तो एट लास्ट मेरा यही कहना है कि पागल ना बने. ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि मेरे कल वाले वीडियो पे दो लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें लोगों को जागृति फैले कि हमें मार्बल कौन सा लगाना चाहिए, मकराना मार्बल क्यों लगाना चाहिए, क्या खास बात है उसकी. तो खास बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम क्वांटिटी होने की वजह से आपके कभी जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, आपके कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, और आप उसी जगह दूसरा राजनगर वाला मोरवर्ड वाला पत्थर लगा लोगे तो आपके जॉइंट्स पेन होंगे, आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा, आपके साथ साथ उस मार्बल का भी बुढ़ापा जल्दी आएगा क्योंकि उसमें आयरन है. आयरन मतलब लोहा. लोहे पे जितना पानी लगाओगे, जितना पोचा लगाओगे, उतना जंग छोड़ेगा वो. जंग छोड़ने का मतलब क्या है? वो पीला हो रहा है, सीधी बात, वो पीला होता है तो वो क्यों लगाए हम. और सबसे बड़ी बात कि मकराना मार्बल की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जवानी बढ़ती है जितना टाइम निकलता उतनी इसकी जवानी बढ़ती है, और मकराना को छोड़ के दूसरा जो पत्थर है उसकी बुढ़ापा बढ़ता है उसका. ये सबसे बड़ी खास बात है. मकराना मार्बल देसी घी और दूसरा मार्बल डालडा घी. मैं किसी मार्बल की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करना चाहता. मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप ये वीडियो बनाइए, आप लोगों को बताइए कि मकराना मार्बल क्यों लगाना चाहिए, जब हमारे हिंदुस्तान की शान ताजमहल जो आज दुनिया का 7वां अजूबा है उस वही मकराना मार्बल से बना हुआ है. तो हम अपना, हर इंसान का अपना घर ताजमहल से कम होता है क्या? मेरा घर मेरे लिए मेरा ताजमहल है तो मैं उसमें दूसरा पत्थर क्यों लगाऊँ? मैं भी तो बेस्ट क्वालिटी, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी वो लगाना चाहता हूँ. हर इंसान सबसे बढ़िया चीज़ लगाना चाहता है अपने घर में, हल्का क्यों लगाएगा वो? तो मेरा यही मकसद था आपको बताने का कि इस क्वालिटी की ये ताकत है और आपको दूसरी क्वालिटी क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए. और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लोगों तक, ताकि लोगों को भी इस चीज़ का पता लगे कि कौन सा मार्बल बेस्ट है, कौन सा क्या है. धन्यवाद.